अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी कर रहे थे, तो ऑस्मो रेगुलेशन को ही आगे लेकर चलते हैं। तो हमने अब पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, ऑस्मो रेगुलेशन का अमल प्लांट्स में कैसे होता है। बेटा आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका। तो बेटा ऑस्मो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट्स एंड वाटर इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में अपने सॉल्ट और वाटर को मेंटेन करके रखना। तो बेटा प्लांट्स के अंदर जब मैं ऑस्मो रेगुलेशन को स्टडी करूंगा तो उसके अंदर हमने देखने अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की बेस पर हम प्लांट्स को तीन डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई करेंगे। तो बेटा ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्लांट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स और जीरोफाइट्स। अब बेटा हाइड्रोफाइट्स को स्टडी करते हैं। हाइड्रोफाइट, ये दो लफ्ज हैं, हाइड्रो और फाइट। हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइटा मीन प्लांट्स, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जिनके पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, यानी कि वाटर की अबंडेंट सप्लाई होती है, बहुत ज़्यादा वाटर होता है, ठीक है। अब बेटा इनके पास मेजर प्रॉब्लम क्या है, इनकी मेजर प्रॉब्लम ये है बेटा कि इनके पास वाटर इतना ज़्यादा होता है कि इनके जो बॉडी के सेल है ना, वो वाटर के साथ साथ रिमूव होना शुरू हो जाती है, ठीक है। देयर बॉडी सेल्स फ्लडेड विद वाटर, सो दे हैव टू रिमूव मैक्सिमम वाटर, के लिए मैक्सिमम वाटर रिमूव करना होता है। तो बेटा अब इनके जितनी भी एडाप्टेशंस फॉर ऑस्मो रेगुलेशन है उसमें हमने देखना है कि वाटर को मैक्सिमम रिमूवल के लिए ही होगी। सबसे पहली बात कि वाटर, इनके जो लीव्स हैं वो बड़े बड़े होते हैं। जब लीव्स बड़े बड़े होते हैं तो लीव्स के अंदर जो है ना वो स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो लीव्स के बड़े होने से क्या होता है कि एक्सेसिव एरिया मिल जाता है उन्हें ट्रांसपरेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके स्ट्रोमेटा के जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्ट्रोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं और अपर सरफेस पे होते हैं। अब बेटा क्योंकि लीव है ना, अगर स्ट्रोमेटा नीचे होगी वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ेगी, जब डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर ट्रांसपरेशन इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन अगर अपर सर्फेस में ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर सनलाइट डायरेक्टली पड़ेगी तो ट्रांसपरेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी। तो इनके जो एक्सटेंसिव स्ट्रोमेटा प्रेजेंट होती अपर सर्फेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका क्यूटिकल या तो बहुत ज़्यादा थिन होता है या होता ही नहीं है, ठीक है। बेटा क्यूटिकल होता क्या, बेटा आपने कभी पत्ता पकड़ के देखा ना, उसके ऊपर एक शाइनी सरफेस लगी होती है, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है, वो बेटा प्रोटीन का एक कोट होता है, उसे हम क्यूटिन कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है। क्यूटिन प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। अब बेटा वो क्या करता है, वो ट्रांसपरेशन को रोकता है, ठीक है, ट्रांसपरेशन के अमल को। तो वो क्या होता है, वो या तो इनके पास होता ही नहीं है, अगर हो तो बहुत बारीक होता है, ठीक है। उसके बाद जो लीव्स हैं इनके ब्रॉड होते हैं, बड़े बड़े लीव्स होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन हो सके, मैक्सिमम रिमूवल ऑफ वाटर हो सके। इसकी एग्जांपल में बेटा हाइड्रीला आ जाता है और वाटर लिली आ जाता है। उसके बाद बेटा जो दूसरी मेन क्लास है वो है मेसोफाइट्स, ठीक है। मेसोफाइट्स के हैं वो वाले प्लांट्स हैं जिनके पास मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, ठीक है। अब बेटा ये देखो जीरोफाइट्स के अंदर जो है ना वो ड्राई कंडीशन है, वाटर बहुत कम है, हाइड्रोफाइट्स में बहुत ज़्यादा है वाटर, लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम होती है, ये बिल्कुल मॉडरेट सप्लाई है। अगर पानी कम हो गया तो इनके पास डेफिशिएंसी हो जाएगी, अगर पानी ज़्यादा हो गया तो इनके पास एक्सेस हो जाएगी वाटर की, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स ऐसे इनके पास रहती ही एक्सेस है, लेकिन ये वेरिंग कंडीशन जो है ना उसको देखता है, तो उसके हिसाब से ना इनके अंदर अडाप्टेशन होती है, ठीक है। तो बेटा अडाप्टेशन फॉर ऑस्मो रेगुलेशन बात करें तो बेटा जब सफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो ये अपने स्ट्रोमेटा ओपन कर लेते हैं, और जब स्ट्रोमेटा ओपन करते हैं तो वाटर लॉस को प्रमोट करते हैं, ठीक है। और जब बेटा वाटर सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है तो ये अपने स्ट्रोमेटा क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर लॉस है वो मिनिमम हो जाता है। तो बेटा इसकी एग्जांपल के अंदर मैंगो आ जाएगा, ब्रासिका आ जाएगा और रोज आ जाएगा। उसके बाद बेटा जीरोफाइट, जीरो का मतलब होता है ड्राई, जीरो कहीं पर भी लफ्ज आ जाए इसका मतलब होता है ड्राई। जैसे बेटा जीरोफोबिक आपने एक लफ्ज पढ़ा होना है कि खुश्क दिमाग का इंसान, ठीक है। तो फाइटा का मतलब प्लांट्स होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है बात। तो बेटा मतलब कि ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहती हैं, प्लांट्स लिविंग इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। तो बेटा इनकी मेजर प्रॉब्लम आपके सामने है कि वाटर इनके पास होता नहीं है, तो सो दे हैव टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। तो इनके पास जितनी भी अडाप्टेशंस होंगी हाइड्रोफाइट्स के उल्ट होंगी, हाइड्रोफाइट्स के अंदर जितनी अडाप्टेशंस थी वो सारी की सारी वाटर के लॉस होने के लिए थी, यहाँ पर वाटर को प्रिवेंट करने के लिए होंगी। तो बेटा इनके थिक और स्मॉल लीव्स वो ब्रॉडर थे, यहाँ पर क्या है स्मॉल लीव्स, छोटे छोटे लीव्स होंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल, कि इनका जो क्यूटिकल है वो बहुत ज़्यादा थिक और वैक्सी होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा इनका जो स्टोमेटा है वो अंदर साइड पर, यानी कि इनका लीव है ना तो स्टोमेटा अंदर वाली साइड पर होंगे, डिप्रेशन के अंदर होंगे। डिप्रेशन क्या होता है बेटा, लेट से मतलब कि इस तरह करके जो जगह होती है ना ये इस तरह करके डिप्रेशन होता है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि कुछ प्लांट्स क्या करते हैं कि जब वाटर की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो उसमें क्या करते हैं कि वो अपने लीव्स कंप्लीटली शेड कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा अगर वो लीव्स अपने शेड कर देती हैं, इससे एक तो फायदा हो गया क्योंकि ट्रांसपायरेशन जो है वो मोस्टली लीव्स के थ्रू होनी होती है, ट्रांसपायरेशन तो रुक गए। लेकिन बेटा इसका एक नुकसान भी है, क्या है, क्योंकि बेटा लीव्स आप जानते हैं फूड फैक्ट्री कहते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होना होता है, ठीक है। तो अगर वो लीव्स शेड कर देगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, तो उसका भी बेटा इनके पास हल होता है। इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, स्टेम्स आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स, ठीक है। उसके बाद बेटा जब रेनी सीजन आता है यानी कि वाटर जो है वो उसकी सप्लाई सफिशियंट हो जाती है, ठीक है, उस वक्त क्या होता है, अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। किसके अंदर स्टोर करते हैं, स्टेम के अंदर स्टोर करते हैं। बेटा जो से ऑर्गन्स वाटर स्टोर करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सक्यूलेंट ऑर्गन्स। इसकी एग्जाम्पल है बेटा कैक्टस और एलोवेरा। तो ये था बेटा अबाउट ऑस्मर रेगुलेशन इन प्लांट्स। इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी ही और शी फ्रेंडली आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।